गाइस अस्सलाम वालेकुम जी। जुनेद जाने के लिए तैयार हैं? मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ काम से, आके आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। सपोर्ट कर रहे हैं वैसे आप लोग, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। गाइस मैं यहाँ कहा जी गाइस, असर की नमाज़ के लिए इस मस्जिद में आया हूँ। बहुत ही सुकून मिलता है अल्लाह के घर आके, ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक बहुत पास है हमारे, दिल के सारे दुख ख़त्म हो गए हैं अल्लाह के घर आके। बेशक वो हमारी शहरुख से ज़्यादा करीब है और बहुत प्यारी मस्जिद है ये। गाइस काफ़ी देर में इस मस्जिद में रुका रहा, बहुत प्यारी मस्जिद है और काफ़ी टाइम बाद इतनी खूबसूरत और प्यारी मस्जिद के लिए बस रुख हो गया, अल्लाह पाक ने बुला लिया। और यहाँ सब हरियाली भी है, आप देख सकते हो बड़ी मस्जिद है काफ़ी, ये नॉर्थ नाजमाबाद की अच्छी मस्जिद है, बहुत प्यारी है। अल्लाह पाक का कोई भी घर हो बहुत प्यारा है। गाइस ये इसका मीनार जो है माशाल्लाह इतना बड़ा है कि मैं वीडियो भी कैप्चर नहीं कर पा रहा। और इसके पीछे आप देखिएगा गार्डन से बैक साइड पे ये हैदरी पारी माल, बहुत खूबसूरत मंज़र है शाम का इस वक्त माशाल्लाह। जी गाइस मैं आ गया हूँ जहाँ से मैं मछली खाता हूँ, मामू की फ़िश हमेशा की तरह। तो सोचा मौसम बहुत अच्छा है तो आज मछली खाई जाए। थोड़ा चेंज हुआ है, जो मैं मछली खाता हूँ वो शौक़ से जो खाता हूँ वो ख़त्म हो चुकी है मुश्का, बट इनकी दूसरी आज फ़िश लेते हैं। मामू खुद देख रहे हैं आप, मामू भी लगे हुए। सो गाइस मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका हूँ तो अब मछली लेके घर की तरफ रवाना होऊंगा। जी गाइस देखिए आज कितनी मुश्किल हो गई है मुझे कैमरे से जो है वीडियो बनाना, मुख्तलिफ वीडियोस को कट कर करके ये वीडियो एडिट किए मैंने आपको दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब व्लॉग स्टार जुनेद के पास से हुआ था सैटरडे वाले दिन और आज सनोवर यानी मैं इसे संडे को एंड कर रही हूँ। कल मैं कोई ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर सकी, बस लास्ट में जो मैंने आपसे थोड़ा सा शेयर किया है, जुनेद सुबह के गए, रात को काफ़ी लेट आए थे, लेट नाइट आए थे तो मैं व्लॉगिंग शूट नहीं कर सकी, बट मैंने जो भी थोड़ा बहुत किया था मैंने आपसे शेयर किया है। और आज जैसे कि मुहर्रम की पहली है, हज़रत उमर फारूक की शहादत का भी दिन है, तो मैंने आज हलवा भी बनाया था और अचार गोश्त भी बनाया था, लेकिन मैं उस वक्त व्लॉगिंग नहीं कर सकी बिकॉज हमारी जो बिल्ली साहिबा हैं जो किचन में आके बैठ चुकी हैं वो अब हमारा मोबाइल भी फेंक देती हैं। सो मैं इस डर से मैं मोबाइल लेकर ही नहीं गई। और बस अब जो है संडे का एंड हो चुका है आज और जुनेद आज भी नहीं है। और दूसरा ये कि मुहर्रम स्टार्ट हो चुके हैं, सो जैसे मैंने आपको बताया आज यकुम मुहर्रम है वो भी एंड हो चुकी है, शायद दूसरी मुहर्रम लग चुकी है। अभी हमारे 10 दिन एहतराम के दिन है अबाउट, और जो है हर जगह हर तरीके से अपने तरीके से जो भी नजर नियाज करते सब जगह वो सिलसिले शुरू हो चुके हैं। बहुत एहतराम के दिन है, ये वो शहादत है, ये वो वक्त है जो जिसने हमें सब्र करना भी सिखाया बहुत कुछ। हम तो उनके पाँव के खाक के बराबर भी नहीं, खाक के ज़र्रे के बराबर भी नहीं, हम लोग बहुत पीछे। सो गाइस मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी बस इस बात के साथ के हुस्न सुलूक ये सोच के मत करें किसी के साथ कि आपको इसका बदला मिलेगा या सामने वाला भी हमसे इसी तरीके से मिलेगा, बल्कि हुस्न सुलूक किसी के भी साथ ये सोच के करें कि इसका बदला हमें दुनिया और आखिरत में अल्लाह देगा। आजकल हम लोगों ने रिवाज बना लिया ना, हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, अच्छा इसने हमें 10 रुपये दिए तो हम इसे 20 रुपये देंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई आपके दरवाज़े पर मदद मांगने आए, आपसे कोई जो है अपना दुख बताए, तो खुले दिल से जो है ना बाहें फैला के बैठा करें कि आप उसका दुख सुन रहे। क्योंकि मेरी अम्मी ऐसा बोलती थी
कि दुख सहने वाला जो हमें बता रहा है वो सह चुका है, वो सह रहा है उस तकलीफ़ को, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं, तो हम उसकी जगह पे नहीं आ सकते। सो गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो शेयर करें, लाइक करें जैसे कि आप लोग कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं जैसे हर व्लॉग में बोलती हूँ, और काइंडली हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रमोशन की ज़रूरत है, और जो है बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।